लाइट कम हो, जिस तरह पब्लिक की तरफ हो है, पब्लिक शोर मचान लग जाए। शोर किस बात का? मैं आपके सामने रही रागनी सुनाने लग रही, चिंता किस बात की? तड़के 6 बजे तक नहीं उठने दोगे, कत्ती भी देख लियो। एक बात बता दूं, ये सीटी आप जो हो ना, स्वाद में मारा लाग रहे हो, समझ गए ना? ठीक है ना? या चौधरी आपने रागनी सुनाना रही है, आपका मनोरंजन करना रही है, और कती दाव डाला स्वाद तो ठोक कर जागी आपने, कदे किसे और बहम होने नहीं। तो एक बात के मारे हरियाणा का चौधरी अपनी चौधरी ना लेकर दिल्ली चला गया। चौधरी भी किसी मेरे कैसी चौधरी उसकी दिल्ली चला गया, और उसने न्यूज सुन रखा था के जब चौधरी गेला और दिल्ली भर का शहर हो तो होटल में जरूर डटना चाहिए। होटल में डट गया चौधरी ने लेकर मैनेजर, तेनु बोला भाई मैनेजर कितना के खर्चा होगा? बोला चौधरी साहब को ज्यादा नहीं। बोला भाई चाहे नाश हो जाओ पर चौधरी राजी राखनी। लेकर चौधरी ने डट गया होटल में, तड़के मैनेजर ने वह 400 रुपए की बिल चिट पकड़ा दी चौधरी साहब ते। बोला चौधरी साहब ये 400 रुपए देने पड़ेंगे। बोला भाई छोरे ये 400 रुपए किस बात के? बोला चौधरी साहब 200 रुपए तो आपके कमरे में ठहरने के। बोला भाई कती देवंगे? 200 रुपये तेरे कती देवंगे, क्योंकि मैं और मेरी चौधरी रात ना कमरे में डटे, 200 रुपये देंगे। अरे ये 200? बोला चौधरी साहब ये 200 रुपए हैं आपके खाने के। बोला भाई छोरे आड़ा गलती कर रहा है भाई, मन यार मेरी चौधरी ना खाना खाने की तो फुर्सत लगी है नहीं, बिल किस बात का देवा बताता ना। तो वो बोला मैनेजर चौधरी साहब बात ऐसे है कि इस होटल का ये नियम है कि खाना खाओ ना खाओ, खाना तो तैयार होता है और बिल तो जो देना ही पड़ेगा। चौधरी का कसुत्ता छो उठा, लेकर वह बिल चिट 400 रुपए काट कर उसके ऊपर 800 रुपए लिख दिए। बोला भाई मैनेजर अपने 400 रुपये काट कर मेरे 400 उल्टे कर दे। मैनेजर हैरान, बोला चौधरी साहब 400 रुपए किस बात के उल्टे करो? बोला भाई मैनेजर वो 400 रुपए है मेरी चौधरी छेड़न के। मैनेजर बोला चौधरी साहब हमने तो आपकी चौधरी को छेड़ा ही नहीं। बोला भाई कान खोल कर सुन ले मैनेजर, चौधरी ना छेड़ ना छेड़, चौधरी तो तैयार थी और बिल तो आवेगा जो तने देना पड़ेगा। बड़ा दमन पैर रीर नु ढूंगे पे हाथ लाए खड़ी, और वो बुढ़ा डोगा ले रहे हाथ में, और उस टाइम बोलिया बोला री बुढ़िया खडवाली कितनी दूर से? बोला हो जाए रो इतना बुढ़ा हो रहा, तने खडवाली का भी कोने बेरा? बोला यारी मेरे चूतना पाछे खडवाली। वो मतलब बुढ़ा भी मजा किया था, ले गए डोगा लागा उसके दामन का डोगा, और ऊपर ने ठागा दामन, बोलिया बोला राम स्वरूप खडवाली का दरवाजा यो है से। जवाब ना दे सकूं तो 100 रुपए जुर्माना दूंगा, यानी 300 रुपए तेरे को जुर्माना दूंगा। फिर सवाल मैं पूछूंगा तेरे से 3, अगर जवाब दे देगा तो मैं तेरे को 100 रुपए इनाम के प्रति सवाल इनाम दूंगा 300, और ना तो 5 रुपए जुर्माना दे दिए। बोला ठीक है बाबा वकील साहब पूछ। ये वकील ने धारा पूछी गया ताऊ, धारा 370 जो कश्मीर मुलक थी उसका क्या अभिप्राय है? अब ताऊ अनपढ़ था, कोई नहीं मेरा भाई, 3 सवालों के 15 रुपए दे दिए। फिर ने बोला ले बाबा वकील साहब नंबर मेरा करना हो जा। बोला ताऊ पूछ। बोले ऐसे जनौर का नाम बता दो, आसमान में उड़े एक पंथ और तीव्र दूसरा शक्कर में जा। ईब लाएगा वकील अंदाजा लाएगा। हरियाणा और पंजाब कट्ठे थे, भी नारे नारे पाटे ते चंडीगढ़ बीच में छोड़ दिया। चंडीगढ़ मारा अंत पंजाब के सरदार लोग बोले चंडीगढ़ साडा, चंडीगढ़ साडा वे ऐसे बोल रहे। वह चंडीगढ़ किसका हो?
हरियाणा के मौजूद आदमी पंचायत कट्ठी कर हरियाणा के जो गिने चुने आदमी थे वह इकट्ठे होकर चलन लगे। डेट मुकरर होगी फलानी डेट न भाई आड़े पहुंचना से, तम बताइयो चंडीगढ़ थारा क्यों करे और हम बताओगे चंडीगढ़ साडा क्यों कर। बोला जी ठीक है। इबी मानते हैं वो पंजाब के सरदार कट्ठे होकर न चंडीगढ़ पहुंच गए जब अपने हरियाणा वाले जाओ थे, तन्यो का आग्रह तैड़ के आदमी न काले ब्राह्मण के दर्शन हो जा, तन्यो कहेंगे छोरी चौधरी ने कर्म फोड़ दिए आज टूक ठावे ना हर काना टकरा जाओ रे छोरी जतनी बाणा पड़ा था भाई तू थोड़ी अन पाछ आ जाए वो जब चल लग गए तो काना आ गया। नो बोले रे तने तो भाई गया चंडीगढ़ तो चल उल्टे। नो ला रे क्यों तो वो के बात। बोला भाई तो बस के करा बस सोन कसोनी से हो गए। बोला ना मैं थारा काम आऊंगा मने ले चलो। बोला तू के काम आओगा छोर छोरे दर्शन खराब से। बोला ना मने ले चलो। बोला लटक ले पाछे ने पाछे ने लटका कर उसने ले गए उड़े। इंगान पंजाब के सरदार आदमी बैठे इंगान अपना हरियाणा के मोलड़ ताऊ बैठे जो नोने जाने कह कबूतर खै खा कर बोल रहे। वह नहीं जाने के फंड है चंडीगढ़ किसका है। पहला नंबर बोलने का पंजाब वाला का। बोला भाई तुम बताओ चंडीगढ़ थारा क्यों कर। बोला जी सुनो असी गल सुनो हम बताओगे चंडीगढ़ मारा क्यों कर है। बोला बताओ आजकल पंजाब की संस्कृति देख लो कोडाने टीवी खोल लो जब भाई बेटी चौध के मारा ताड़ ठीक से भाई भाई नू मत करिए नू मत करिए रोड बैठ चल तुरु फलान दकड़ तारा रहे एक एक तारे पर नू मारे जाएंगे आंगली नू लेडी सवारी नू फदक फदक पड़ेंगे नू कहेंगे वाह भाई वाह वाह। बोला चप्पा चप्पा चरखा चले नू ना बेरा चप्पा चप चल रहा गप्पा गप चल रहे हैं पर चरखा जरूर चल रहे है उनका चरखा पक्का। बोला भाई बताओ थारा चंडीगढ़ क्यों कर। बोला जी सुनो साड़ी गल सुनो। बोला सुनाओ। बोला फूलों में फूल गुलाब दा शेरो सारी मंडाली बात बूढ़े ने मुंह पाड़े देखे जनो गुंगी देखे। बोला फूलों में फूल गुलाब दा और चंडीगढ़ है पंजाब दा ये मोलड़ आदमी अपने ताऊ नीचे नाड़ करे बैठे आके ले गए बोलो ना कौन सा बोलेगा आओ थे लांगर टांग टांग बोलो भाई इतना बड़ा तुर्रा बांध जाए बोलो कौन सा बोलेगा कोई ना बोले काना न्यो कर चुपक चुपक मैं खड़ा हो जाऊं और बुढ़िया मत आशंको ने बोला भाई छोर जद के खड़ा हो जा पर बोलिए ठीक ठाक। बोला ना मेरी बात तो मैं ऊक चूक नहीं पाओगी जो बात कहूंगा वह सॉलिड कहूंगा। बोला अच्छा भाई कही है सॉलिड। बोला जवाब दूंगा पूरा। बोला खड़ा हो गया राम राम सरदार ने कहा राम राम जी राम राम। बोला सुनो के कहो हो चंडीगढ़ साडा चंडीगढ़ दम आराज है। बोला न्यो क्यों करे। बोला सुन लो उसने भी शेरो शायरी में बात डाल दी। बोला चंडीगढ़ से हरियाणा का चेथन पाड़ लो काने का।